ऑलराइट गाइस, सो गुड मॉर्निंग। आज है अप्रैल 27 एंड अभी बजे 7:44। सो राइट नाउ मेरे पीछे हो रहा है सनराइज, मतलब हो चुका है, हो रहा नहीं हो चुका है। एंड अभी हम लोग इतना लेट आ चुके हैं ना, वी हैव प्लान टू कम ओवर ही एट 6:30 को, बट देख सकते हम लोग कितना लेट है। सो ऑलराइट, अभी हम लोग क्या करने वाले, लेट्स डू सम स्ट्रेचिंग ओवर हियर एंड देन चिल आउट। स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट गाइस, सो अभी बजे है 7:50। वाह, 44 को हम लोग आए एंड 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। वाह, 6 मिनट में एक्सरसाइज खत्म। अमेजिंग थिंग, मेरे को लगा 15 to 20 मिनट्स हो रहेंगे करते करते एक्सरसाइज। ऑलराइट, 6 मिनट में एक्सरसाइज खत्म। सो हम लोग आई गेस थोड़ी देर हम लोग ऊपर बैठेंगे, थोड़ी बाद क्या बोलते मेडिटेशन करेंगे, फिर यहाँ पे बैठेंगे, फिर यहाँ पे बैठेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट प्लान्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हाउ चिल दिस क्लाइमेट इज। मेरे पीछे सनराइज ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट नहीं हो ही आए, मतलब हो गया है, 8:05 हो चुके हैं। एंड हाउ चिल इज दिस क्लाइमेट, लाइक मेरे सामने मस्त एकदम व्यू है, एज यू कैन सी ओवर हियर। मेरे पीछे एकदम सनराइज है, मेरे साइड में मेरा चश्मा है एज ऑलवेज। सो या एंजॉय यार। अभी हम लोग वो छाव में शिफ्ट होंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट प्लान्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हम लोग लैंड होंगे अभी। सो हम लोग यहाँ पे लैंड हो चुके हैं, ये निकाल रहा। सो ऑलराइट, अभी बजे 8:21 एंड लेट्स डिस्कस अबाउट प्लान्स। सो आई गेस फोन को रखना चाहिए। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? यस आई गेस। ऑलराइट, सो क्या मैं क्या डिस्कस करना चाहता था एंड चाहता हूँ कि बैटरी कितनी, 26 वाट लग गए। सो व्हाट इज़ माय फ्यूचर प्लान, मैं क्या करने वाला हूँ? हाँ, ये पता नहीं करेगा। कल मैंने जो स्ट्रैटेजी क्रिएट की ना, वो एक दिन में प्रॉफिट था दिया, 50% प्रॉफिट दिया, और सेकेंड दिन में 50% प्रॉफिट ले लिया, क्या मालूम कैसे क्या। और इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत अल्गोरिदम में चेंज करने वाले, मतलब हमारे स्ट्रैटेजी में चेंज करने वाले। ब्लैक दिख रहा है मैं, आई गेस। सो ऑलराइट, क्या हमारा फ्यूचर प्लान क्या है? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग फॉरेक्स करने वाले, हम लोग ट्रेडिंग करने वाले, कौन सी भी हालत। फॉरेक्स या तो स्टॉक मार्केट या तो बाइनरी। बाइनरी का हम लोग ने विषय छोड़ दिया, बिकॉज उसमें मनी मैनेजमेंट अपना होता ही नहीं and we can't be profitable after a long time, so binary is not there. So there is two options, stock and forex. So hum log bas forex and stock mein hum log invest karne wale hain. All right, so forex mein zyada mera focus rehne wala hai, because wo 24 hours chalta hai, so it's perfect and fine, you know. And aise beta to yahan pe black ho jata baba, isliye aise baithna padta. All right, so hum log kya karne wale, forex karne wale aur din bhar, matlab main filhal to hum log forex manually karenge and uske baad agar hum log ki strategy is perfectly working and fine, we will learn the code. बिकॉज हम लोग दूसरों को कोडिंग करना नहीं बोल सकते, बिकॉज अगर हम लोग उसको बोले नहीं क्या हमारी स्ट्रैटेजी बना दे, तेरे को कोडिंग आती है, तो साला मतलब अपनी स्ट्रैटेजी रिवील हो जाएंगे। तो हम लोग को ही कोडिंग सीखना पड़ेगा एंड हम लोग को ही खुद की स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो या तो अभी मैन्युअली हम लोग करने वाले ट्रेडिंग एंड उसके बाद हम लोग बॉट के ऊपर, मतलब ऑटो ट्रेडिंग में कन्वर्ट होने वाले हैं। फिर हम लोग देखो, अभी मेरा पूरा प्लान सुना रही, ये ब्लैक हो जाता है, एक सेकेंड। ऑलराइट, प्लीज हो जाए। अरे हाँ, ये ना अपनी बॉस। हाँ हाँ, आई गेस नहीं क्या। ऑलराइट, यहाँ पे ब्लैक ही दिख रहा था, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, ये बहुत मस्त एंगल। अरे थोड़ा ब्लैक हो गया, नहीं क्या, ऐसे बैठना वर्ड होगा। हाँ, हो गया वाइट हो गया। ऑलराइट, तो देखो हम लोग है ना पूरा दिन भर मतलब फोरेक्स बैकग्राउंड में करने वाले हैं, अपने इनकम्स एंड एक्सपेंस क्या देने वाले लिस्ट। हम लोग बैकग्राउंड में फोरेक्स करने वाले एज आवर बॉट अपने लिए ट्रेडिंग करेगा, तो बैकग्राउंड में फोरेक्स चालू रहेगा। दैट मीन्स मनी कमिंग, मतलब मनी का इनकम रहने वाला है ड्यू टू फोरेक्स, बिकॉज एक्सपेंस भी रहेगा बट इनकम ज़्यादा रहने वाला है, बिकॉज अपनी स्ट्रैटेजी वैसी है। यहाँ पे रहना चाहिए कि कैमरा। Oh,
ऑलराइट, तो बेसिकली बैकग्राउंड में 4x टॉप में चलने वाला है, नो डाउट। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं बैकग्राउंड में 4x, हम सब कुछ देखेंगे क्या क्या करने वाले हैं, फिर उसका इनकम इनकम वाले सेक्शन को आउट एक साइड में रख, आउट एक्सपेंस वाले सेक्शन को एक साइड में रखेंगे। तो हम लोग दिन भर में क्या करने वाले हैं, रिजल्ट ऑफ 4x, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, थोड़े दिन की बात कर रहा हूँ कि लाइक सम डेज व्हाट विल बी आवर प्लान्स। ऑलराइट, तो आफ्टर मतलब वी आर प्लानिंग बिफोर सम डेज। तो बैकग्राउंड में हम लोग 4x करने वाले हैं, जो हम अपना बॉट अपने लिए ट्रेड करेंगे, तो हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा धीरे धीरे। स्टिल बैकग्राउंड में 4x चलने वाला है, ये यूट्यूब चलने वाला है बैकग्राउंड में, यूट्यूब अपन ने क्या वीडियोज बना के हम लोग डालने वाले हैं एज माई फेवरेट, आई लाइक टू रिकॉर्ड माई सेल्फ एज यू नो, तो यूट्यूब बैकग्राउंड में चलने वाला है। प्लस जॉब, तो बिल्कुल आई हेट जॉब, तो वी विल स्टार्ट वन बिजनेस। ऑलराइट, सो बिजनेस हम लोग स्टार्ट करने वाले, वो बिजनेस मिनी स्टॉक मार्केट के ऊपर बिजनेस करने वाले थे, बिकॉज फॉरेस्ट के ऊपर मेरे को मनी की सेफ्टी नहीं दिख रही, मतलब एज आई नो जैसे होना ये रेगुलेशन और वो रिफंड मैं अभी तक समझ नहीं किया कि मेरे को दिख जाए कि फॉरेक्स में सेफ्टी है मनी। तो अभी फिलहाल तो हम लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर हम लोग बिजनेस करने वाले, एंड साइकिलिंग एंजॉइंग साइकिलिंग करने वाले, ट्रेकिंग करने वाले, प्लेन्स में घूमने वाले, कार्स में घूमने वाले, फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे, अकेले घूमेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाएंगे, हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, बहुत मतलब अमेजिंग। आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग इन लाइफ, बिकॉज एनी थिंग कैन बी हैपन, आई माइट डाई टुमारो और टुडे और आफ्टर 5 मिनट, तो एनी थिंग कैन बी हैपन, आई जस्ट एन्जॉय माई लाइफ, एंड आई टू एन्जॉय माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट टू जॉब रियली, सो दैट्स वाई आई एम फुल्ली फोकस्ड। ऑलराइट, तो अभी इनकम वाले कौन से सेक्शन होने वाले इसमें, एक 4x रहने वाला है इनकम सेक्शन, यूट्यूब इनकम सेक्शन होने वाला है, स्टॉक मार्केट इनकम सेक्शन होने वाला है, स्टॉक मार्केट का बिजनेस इनकम सेक्शन होने वाला है, ऐसे 3 से 4 इनकम सोर्सेस रहने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 4x, यूट्यूब, स्टॉक मार्केट, मार्केट का बिजनेस, ये 1, 2, 3, 4 हमारे इनकम्स के स्ट्रीम्स होने वाले हैं, उसमें से ऊपर नीचे होने वाले हैं। 4x में ऊपर नीचे होगा ना क्या, मतलब अपने इनकम कम का कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, तो हम लोग एक बेसिक एवरेज लेने वाले हैं, एवरेज प्राइस कारों का, सो दैट अपन एक्सपेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अपने 4 इनकम स्ट्रीम्स है एटलीस्ट, तो मतलब होने वाले हैं, ना कि है होने वाले हैं, अभी यूट्यूब मोनेटाइज नहीं हुआ, अपना बॉर्ड भी क्रिएट नहीं हुआ, अपनी स्ट्रैटेजी भी क्रिएट नहीं हुई 4x में, प्लस स्टॉक मार्केट में हम लोग अभी बिजनेस नहीं हुए, तो वो बात की बात है, बट वी आर स्टिल प्लानिंग राइट नाउ, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो वी आर इम्प्लीमेंटिंग। ऑलराइट, सो 4 इनकम स्ट्रीम्स होने वाले और एक्सपेंस स्ट्रीम्स हमारा क्या क्या होने वाला है, कार होने वाली, अपना एक्सपेंस अभी एक्सपेंस का बॉक्स, कार, ट्रैवलिंग, हेलीकॉप्टर, प्लेन्स में घूमने वाले हम, और क्या क्या करने वाले थे, ट्रैवलिंग, देन हाइकिंग, ट्रेकिंग, हाइकिंग या तो ट्रेकिंग, फ्रेंड्स के साथ घूमना, हेलीकॉप्टर में घूमना, साइकिलिंग एंड ऑल लाइक एवरी, तो एक्सपेंस ज़्यादा रहने वाला है। सो माई टारगेट इज टू मिनिमम 5 lakhs पर डे, मेरा टारगेट है, तो आई गेस वी विल एच टारगेट 5 lakhs पर डे, तो इन अ मंथ 22 days, अपन ऑलमोस्ट 31 days, बट इन ट्रेडिंग इफ वी टेक एवरेज 22 days, 21 days, तो 5 lakhs अगर हम लोग अर्न कर रहे डेली, तो 21 days से मल्टी करने से 21 into 5, म्हणजे 5 1 5 5 5 5 1 5 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
मतलब आई गेस 1 करोड़ के आसपास रहने वाला ही है। ऑलराइट लेट्स, अगर इतना हम लोग 5 लाख पर डे लोग को टारगेट रखना ही करना है तो अपना एक्सपेंस इतना बटर रहने वाला है एंड अपना ट्रैवलिंग एंजॉयिंग एवरीथिंग बहुत एक्सपेंस रहने वाला है। 5 लाख पर डे इज रियली मुश्किल वर्क, मुश्किल बहुत मुश्किल है, बट वी विल डू इट बिकॉज देयर इज एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्लानिंग यू नो। सो या दिस इज व्हाट इट इज, दिस व्हाट इज व्हाट माय प्लान माय फ्यूचर एंड व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस बिकॉज I am recording this everything because this due to recording I am recalling my all plan, seeing what I want to think, I have to do, get what I want to get. Alright, that's why this is just a recall. It's a recall so that gets in my mind. Due to for my future Uddesh, I will also, I have record these things for my future Uddesh. Alright, so due to future Uddesh, I will struggle. Abhi future Uddesh kya hai? Mera hi version. आगे जाके शायद मैं बहुत यहाँ पे धीरे बोल रहा हूँ, मॉर्निंग का टाइम है एंड एवरी सब सारे के सारे ऑलमोस्ट सोए तो नहीं है चल, तो उनकी उनको डिस्टर्ब ना करें इसलिए मैं बहुत ही धीरे बोल। वैसे अभी बजे है कितना बजे, अभी 8:32 हो चुके हैं, 9 o'clock को हम लोग नीचे जाने वाले हैं। Still, we will relax. देखो यार किसान, if we want to enjoy our life, we must not watch. Now what? Now why? Jobs
को जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है, एंजॉय तो एंजॉय रहने वाला है। अपने पास 24 आवर्स होते हैं, ऑलराइट 8 आवर्स हम लोग को जॉब को दे रहे, 16 आवर्स हमारे पास रहते, तो 16 आवर्स में हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, ऑलराइट वी कैन एंजॉय। बट अगर मैं बोलूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम तो बिल्कुल भी नहीं रहता, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लेसेस बिल्कुल भी नहीं रहता है। अब मेरी बात करूँ, इफ आई वॉन्ट टू गो फॉर जॉब आई हैव टू गो कंपनी टू वैल्यूएबल वर्क फॉर देम, ऑलराइट। सो अगर मेरे को ट्रैवलिंग करना है, ऑलराइट, तो ट्रैवल एंड अर्न हो सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अगर मेरे को ट्रेकिंग करना है, ट्रेकिंग एंड अर्न, भले इफ आई वॉन्ट टू अर्न वाइल आई एम स्लीपिंग, इज इट पॉसिबल? नो। सो ये पॉइंट होता है, देर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लस देर इज, और कुछ तो था और क्या, और कुछ तो बोला था मैंने, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता नहीं। ऐसा प्लस जॉब को गए ना, उनका दिमाग शट डाउन करना पड़ता है और उनके दिमाग से काम करना, हु सेज आई डोंट लाइक दिस थिंग। अगर मेरे पास मेरा दिमाग, आई विल यूज माय ब्रेन, राइट? आई व्हाई शुड आई वर्क फॉर अदर्स इफ आई कैन वर्क फॉर माय सेल्फ? दिस इज सिंपल पॉइंट। एंड द मेन थिंग, इफ आई कैन जॉइन अ कंपनी एंड मेक दैट कंपनी बिगर ड्यू टू माय एफर्ट्स, आई कैन ऑल्सो क्रिएट माय ओन कंपनी एंड मेक बिगर कंपनी ड्यू टू माय एफर्ट्स। मेरे वजह से उनकी कंपनी, मेरे वजह से मैं जहां पे जॉब जा रहा हूं उनकी कंपनी तो बड़ी होने वाली है। I know that, I am guaranteed. Why should I go for that too? I will create my own company, I will grow that company. So that's why, and I didn't, मतलब मेरे को पसंद ही नहीं है दूसरों के हाथों के, मतलब दूसरों के लिए काम करना। I just hate this thing. ये मेरा attitude है, and ये attitude आने में ना बहुत साल लगे, तो ये attitude में रखने, because this attitude is going to change whole world, right? That's the main thing that I want to share to all the world and to the future of this. That's the main point. To the future of this. This is why, this is what I want to, my aim is to earn while I sleep, to earn while I eat. Only trading and only business can create this income. I am fixed, we are only going to focus marketing bhi hum log add karenge. Apna income streams kya hone wala hai? First, as I say, 4x hone wala hai, YouTube rehne wala hai, stock market ka business rehne wala hai, stock market mein investment rehne wali hai, and one more we are going to add the market. Agar apni कंपनी हो रही बड़ी तो लोग शायद मार्केटिंग करेंगे, बट खुद के प्रोडक्ट्स ना कि दूसरों के प्रोडक्ट। दैट्स ऑलराइट, दिस इज व्हाट इट इज। 16 मिनट्स के वीडियो हो चुकी है। I just wanted to say enjoy the life, because this is only one life, and if you can't enjoy for yourself, someone will hire you and they will enjoy because of true. So just enjoy the life, struggle that you can be financial, struggle to become a wealthy person, so to become a wealthy person, just do it. That's it. And yeah, stay tuned for vlog. बहुत कुछ बाकी है, अभी तो मॉर्निंग है। उसके बाद हाँ, what about today's plan? अरे आज तो एग्जाम है। एग्जाम तो सिंपल ही जाती है, आपने ऑनलाइन है वैसे, बेसिक यू नो एवरीथिंग अबाउट द ऑनलाइन एग्जाम। ऑलराइट, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग प्लान्स करने वाले हैं, नहीं प्लान्स नहीं, अल्गोरिथम क्यों बोल, जो मैंने क्रिएट की ना स्ट्रेटेजी यस्टरडे, वो आज हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे। विल वंस अगेन प्रैक्टिस द स्ट्रेटेजी, ऑलराइट? एंड कीप इन माइंड, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिसिंग करने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, के बाद सनसेट देखेंगे, यूट्यूब या तो इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव जाएंगे, एंड वंस अगेन प्रैक्टिसिंग करेंगे। दैट्स इट। एंड अपने इन्वेस्टमेंट को 27 अप्रैल 28, 29, 30 and 30 टू इन्वेस्ट फॉर एक्स। दिस मींस वी ओनली 4 days टू क्रिएट अ सेट, बिकॉज मनी मैनेजमेंट हैज बीन कंप्लीटेड। मनी मैनेजमेंट अब कंप्लीट हो चुका है, रिस्क मैनेजमेंट इज कंप्लीटेड, बट रिमेनिंग इज ओनली स्ट्रैटेजी। वी हैव टू फोकस ऑन अ स्ट्रैटेजी। हम लोग बस 1 घंटे देते हैं एग्जाम को, बाकी 1 घंटे अपने पास ही देते। दिस इज व्हाट इट इज। सो एंजॉय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर होल व्लॉग, बहुत कुछ सीखना बाकी। स्टे ट्यून्ड। You know what guys, I personally don't want to become a bigger person. I just want to become a child, because क्यों ऐसा लगता है मेरे को, child ऐसा रहता नहीं क्या, black आ रहा है। Child है ना, child की mentality रहती है कि like enjoy, play, just don't think about others and all. This is what I like, and that's why I want to become a child, not a bigger person and all. Attitude, मतलब वो वाला एटीट्यूड नहीं बोल रहा मैं, लाइक नहीं क्या, गिविंग शीट अबाउट पीपल, व्हाट पीपल थिंक एंड व्हाई, अगर हम लोग इसे चले तो क्या पीपल, क्या लोग सोचेंगे, सब ऐसा नहीं कि वो चीज़ें। आई हेट दिस थिंग, आई जस्ट वांट टू बिकम अ चाइल्ड, यू नो। ऑलराइट गाइस, सो बजे 2:40 एंड राइट नाउ वी आर सेटिंग अप आवर एग्जामिनेशन। 3:00 बजे अपनी एग्जाम है। स्टे ट्यून्ड। How was the paper? The paper आज का जो पेपर था ना,
वो एवरेज गया, नॉट नॉट सो मच भारी, नॉट सो मच बैड. प्रॉब्लम्स मुझे कोई आए नहीं, जो प्रॉब्लम्स थे ना वो नहीं आए नहीं गया, बट जो अपनी थेरी थी वो तो आ चुकी है, बिकॉज यू नो एवरीथिंग अमेजिंग थिंग. तो लेट्स, मेरे को देखना पड़ रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा कि आज आज का जो हुआ है ना अपना पेपर, क्या हम लोग उसमें पास या फेल होते कि नहीं. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड परसों आई गेस 1300 इसका रिजल्ट आने वाला है, इतनी जल्दी स्टे ट्यून्ड. बहुत मस्त पेपर गया यार, लाइक ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत थे यार, बहुत प्रॉब्लम्स की वजह से इसका मैटर हो चुका है. सो लेट्स सी, डोंट थिंक अबाउट दिस बिकॉज वन पेपर कैन डिसाइड आवर लाइफ. आई एम डिसाइडिंग माई लाइफ, वो बात की बात है. स्टे ट्यून्ड. अभी बजे है 3:45. ऑलराइट 3:45, तो बज के 50 मिनट को मैंने पेपर देना चालू किया था, वो एक्चुअली 3 बजे चालू होने वाला था, बट मैं 2:50 2:50 को ही लॉग इन किया एंड आई जस्ट एंड अप. अमेजिंग थिंग. स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय. ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली अभी बजे 4:44. आई गेस कैमरे की लेंस खराब हो गई यार, मेरे को साफ करना पड़ेगा एक सेकंड. ऑल राइट, सो कैमरे की लेंस थोड़ी बहुत साफ, नहीं, क्लियरिटी का इशू. सो बेसिकली अभी हम लोग का अभी बजे है 4:44 एज ऑलवेज. एंड या लेट्स बी रिलैक्स बिकॉज रिलैक्सेशन का टाइम है. टाइम बैक टेस्टिंग का है बट वी आर डूइंग रिलैक्सिंग राइट नाउ. ऑल राइट, स्टेडियम स्टेडियम. हे गाइस, सो बेसिकली अभी हम लोग आए टेरेस के ऊपर और आज का सनसेट नहीं होने वाला आई गेस. चलो माइटी काने होना रे सनसेट. चांगला चांगला काने होना रे. सांग ना आहे ती ओढ न्यूज बघतो ना बघ, अजून पण आत्ता पण न्यूज बघतोय. खतरनाक खतरनाक. तो बहुत क्लाउड्स है नहीं क्या ऊपर, ये देख सकते हो नहीं क्या, एकदम क्लाउड से क्लाउड से ठंडी ठंडी हवा है नहीं क्या. तो इसलिए आई गेस क्लाउड से वजह से आई गेस सनसेट नहीं दिखेगा. लेट्स डू एनालिसिस एक सेकेंड. लेट्स अभी कितने बजे, 6:02. तो या प्रोबेबली एक सेकेंड, लेट्स चेक इट आउट. हाँ वहाँ पे होता है सनसेट. सो वो वाले एरिया में क्लाउड्स नहीं है. सो आई गेस मेरा ऐसा कहना है, मतलब माई फोकस्ट इज द सनसेट विल बी हैपन, लाइक हमें दिखेगा सनसेट. सो लेट्स सी क्या हम लोग करेक्ट होते हैं या नहीं. तो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड एन्जॉय. सो राइट नाउ गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब आई गेस ऑन एंड ऑल्सो इन इंस्टाग्राम. सो स्टे ट्यून्ड, गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एन्जॉय. ऑलराइट गाइस, जैसे मैंने फोरकास्ट किया वैसे वहाँ पे मेरे पीछे पिंग पिंग हो रहा है. तो आई गेस दिखेगा हम लोग को, आई गेस नहीं, मेरा ऐसा एनालिसिस है. तो लेट्स सी क्या हम लोग करेक्ट रहते या रॉन्ग रहते. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. ऑलराइट गाइस, दैट्स द एनालिसिस, वो दिख रहा है मेरे पीछे सनसेट. सो लेट्स एंजॉय दैट. व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन. ओह या.